नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका वर्ड्स भी ठीक ठाक है। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है बर्ड खरीदने के बाद घर में ला के उसके साथ क्या क्या करना चाहिए। ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो लोग नया बर्ड खरीद के ला रहा है अपने घर में, फिर नया नया बर्ड पालना शुरू कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो के डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो के टॉपिक में आते हैं, नया बर्ड जब हम खरीदते हैं पेट शॉप से हो, कोई ब्रीडर से हो या फिर मार्केट से हो, तब खरीदने से पहले कुछ चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि वो बर्ड क्या खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बर्ड कॉलोनी में रहता है या फिर सेपरेट केज में रहता है। तो ये सब बेसिक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। अब जब बर्ड को खरीद के घर में लाते हो तब बर्ड के लिए वो एनवायरनमेंट एकदम नया होता है और बर्ड बहुत डरा हुआ रहता है। बर्ड को लाकर एक बड़ा सा केज में छोड़ना ही अच्छा रहता है और बर्ड को छोड़ने के बाद आधा घंटा या फिर एक घंटा उसको पानी मत देना, क्योंकि उस समय बर्ड डरा हुआ रहता है और बहुत ही टायर्ड हो जाता है क्योंकि वो छोटा सा केज में रहता है। उस समय अगर वो पानी पिएगा तो उसका हार्ट अटैक होने का या फिर स्ट्रोक होने का चांस रह जाता है। अगर आप चाहो तो उसे सीड दे सकते हो पहले से। सीड देने के लिए आप एक पॉट का यूज़ करना और कुछ सीड फ्लोर पे फैला देना। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं उसको केज के अंदर छोड़ के आधा घंटा या फिर एक घंटा उसको रहने देता हूँ, उसके पास भी मैं नहीं जाता हूँ। वो अपनी तरह वहाँ पर रहकर आसपास का जायज़ा लेकर खुद को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद आधा या एक घंटा बाद मैं पानी और सीड दे देता हूँ और फिर से वहाँ से चला आता हूँ, क्योंकि उस समय वो धीरे धीरे ब्रांच से उतर कर वो पानी पिएगा और खाना भी खाएगा। एक चीज़ नॉर्मली होता है दोस्तों, जब घर में नया कोई बर्ड लाता हूँ या फिर कोई फ्रेंड्स लोग लाता है, उसका घर का मेंबर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। बर्ड को केज के छोड़ने के बाद ही उसके आसपास घूम के देखता है या फिर ठहर के देखता है कि वो बर्ड क्या कर रहा है। ये नॉर्मल चीज़ होता है, कोई भी बर्ड या फिर नया चीज़ घर में लाओ तो सब एक्साइटेड हो जाता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन बर्ड के तरीके से सोचो तो ये बहुत ही डरावना होता है। इसलिए दोस्तों उस बर्ड को वहाँ पर दो तीन घंटे के लिए अकेला छोड़ दो, वो जब वहाँ के एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाएगा तब उसको देखने जाओ, यही ठीक होता है। और नया बर्ड लाके कभी भी पुराना बर्ड के साथ मत छोड़ना, नया बर्ड को नया केज में रखना ही ठीक होता है, क्योंकि पुराना बर्ड अपने इलाका लेकर बहुत ही सेंसिटिव होता है। हो सकता है पुराना बर्ड नया बर्ड को अटैक कर दे, उससे नया बर्ड मर भी सकता है। ये चीज़ ज़्यादा होता है पैरट ग्रुप के बर्ड के ऊपर। अगर आप जानना चाहो कि वो बर्ड कौन सा सीड खाता है तो एक काम करना, एक पॉट में चार पांच तरीके का जो सीड होता है वहाँ पर एक साथ मिक्स्ड करके उसको प्रोवाइड कर देना। अगले दिन आप जब वो पॉट चेक करोगे तब आप देख पाओगे कि वो बर्ड कौन सा सीड ज़्यादा खाया है, तो उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये बर्ड कौन सा सीड पसंद करता है। तो नेक्स्ट डे से आप वही सीड उसको प्रोवाइड करना। और नया बर्ड को हर समय, नया बर्ड को नहीं, सब बर्ड को हर समय फ्रेश और प्योर वाटर ही प्रोवाइड करना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, बर्ड कभी भी रात में खरीद के मत लाना, क्योंकि दोस्तों जब वो घर में जाता है तब उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप रात में उसको ख़रीद के लाओगे और केज में छोड़ोगे तो वो बहुत डर जाता है और उसको रात में इधर उधर उड़ने से चोट भी लग सकता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटा छोटा टिप्स था और ये टिप्स आप सबको बहुत हेल्प करेगा बर्ड फार्मिंग के लिए। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मेरा जो नॉलेज था मैं आपसे सब शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।